लेकर लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में भी एक मौत हो गई है, जी हाँ, और लगातार ये संख्या बढ़ता जा रहा है। आपको हम पूरा अपडेट दे देते हैं इस पूरे मामले में कि अब तक किस तरह से कोरोना का कहर हमारे देश में देखने को मिल रहा है, किस तरह से ये संख्या बढ़ती जा रही है। और बिहार में एक मामला सामने आया है, एक शख्स की मौत हो गई है बिहार में। और साथ ही साथ आपको हम बता दें जो खबर आ रही है, 24 घंटे में 97 नए मामले सामने आए हैं। अपने आप में ये बात जो है चौंकाने वाली है और घबराने वाली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक कोरोना पॉजिटिव 347 मामले हो गए हैं। तो ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से देश में छठी मौत हो चुकी है, 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इससे पहले महाराष्ट्र से खबर आई थी, तो अभी फिलहाल 1 कर्नाटक से खबर आई, 2 महाराष्ट्र में मौत हुई, ये खबर सामने आ रही है। दिल्ली में 1, पंजाब में 1 और बिहार से 1 मौत की खबर आई है। तो कोरोना से हमारे देश में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। सबसे पहले राजस्थान में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया। कोरोना के चलते रेलवे ले सकता है एक बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 25 मार्च तक पैसेंजर मालगाड़ी सेवा हो सकती है बंद। ये अभी मीटिंग चल रही है रेलवे बोर्ड की, उसके बाद यह फैसला लिया जा सकता है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, ये एक बड़ी खबर कि 25 मार्च तक जो पैसेंजर ट्रेन है उसे रोका जा सकता है, और क्या कुछ जानकारी? जी हाँ बिल्कुल, वहां पर अभी रेलवे बोर्ड की मीटिंग चल रही है। हमारी रेलवे की रिपोर्टर मिलन शर्मा ने भी इस बात की तस्दीक की है, और मिलन का ये कहना है कि सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति बन गई है कि अगले 72 घंटों तक रेलवे की रफ्तार रोकी जाए। अगर कोरोना की रफ्तार रोकनी है तो रेलवे की, एयरलाइंसेज की और रोड ट्रांसपोर्ट की रफ्तार रोकनी होगी। यहाँ भी हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि हमें इनिशियल सर्कुलर मिलने का इंतजार है, लेकिन हमें ये बता दिया गया है और यहाँ खबर आ गई है कि अगले 72 घंटों तक जो रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर पहुँच गई है, अगले आदेश तक वो रेलगाड़ी वापस नहीं जाएगी। ये कहा जा रहा है कि 400 माल गाड़ियाँ अभी ऑन ट्रैक दौड़ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगी उसके बाद उन्हें अगले आदेश तक वहाँ से वो वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स का हमने दौरा किया है, ट्रेनें आ रही हैं, इक्का दुक्का यात्री आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वापसी के लिए ये कहा जा रहा है कि अब वो रेलगाड़ियां अगले आदेश तक यहां से नहीं जाएंगी, यार्ड में जाकर खड़ी हो जाएंगी।